नैनीताल के महेश खान में बांज के जंगल में फैली भीषण आग को काबू करने के लिए वन विभाग की मदद से होमगार्ड पीआरडी जवानों के साथ एनडीआरएफ को लगाया है। आपको बता दें, नैनीताल जिले में बीते 3 दिनों से जंगलों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। वही शनिवार को मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी पहुंचकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद आज सुबह से ही एनडीआरएफ की 15 बटालियन के 40 जवान आग बुझाने के लिए प्रभावित स्थल पर पहुंच गए हैं। डीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से उन्हें पूरी मदद की जा रही है। टीम को कई टुकड़ों में बांटा गया है जो वनाग्नि को बुझाने में जुटे हुए हैं। कि नैनीताल वन प्रभाग अभी जो है हमारा काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है अग्नि की दृष्टि से, और वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पे अप्रैल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि अभी कोई शीतकालीन वर्षा ना होने के बाद अभी भी इसमें कोई हमको बारिश यहाँ पे नहीं मिली है, और अभी जो नया जो फोरकास्ट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस क्षेत्र में नहीं दिख रही हैं। तो इसमें अभी पीछे हमारे 2-3 लार्ज फायर हुई थी, लार्ज फॉरेस्ट फायर जो आपका पाइंस है उस क्षेत्र में हुई थी, जो आपकी हाई कोर्ट की कॉलोनी और आपके एयरफोर्स के स्टेशन के, वहाँ हमने पूरी तरीके से इसको नियंत्रण कर लिया है। आज जो हमारी एक्टिव फायर है वो बेसिकली महेश खान वाला जो हमारा भवाली का क्षेत्र है तो उसमें है, और इसमें हमको अभी पूरा गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारे पास एनडीआरएफ की जो 15 बटालियन है गदरपुर वाली, उसके भी जो है 40 जवान आए हुए हैं, और उनके असिस्टेंट कमांडेंट जो हैं उनके निर्देशन में ये हैं। तो अभी हम इनको डिप्लॉय कर रहे हैं महेश खान में और मनोरा रेंज में, जो कि बहुत ही हमारी सेंसिटिव बनी हुई है, और इनको भी ब्रीफ किया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे अपनी प्रोटेक्शन करते हुए वनाग्नि पे त्वरित नियंत्रण किया जा सकता है।